नमस्कार साथियों, मैं लीलाधर प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मोर स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। अपन इस क्लास में इतिहास विषय के अंदर जो एक छोटा सा टॉपिक है जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में शामिल है और इतिहास का यह प्रथम टॉपिक भी माना जाता है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने इतिहास व उसके जो प्रारंभिक विषय प्रारंभिक टॉपिक उन पर परिचर्चाएं की थी। आज अपन चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। देखिए मित्रों, सिंधु सभ्यता या इसी को क्या कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और भारत की यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु नदी के घाटी क्षेत्र पर इस सभ्यता का विकास हुआ, इस कारण से यह सिंधु सभ्यता कहलाई। इस सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके अन्य भी कई नाम हैं मित्रों। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं सिंधु सभ्यता है वह किस प्रकार की सभ्यता थी, कहां पर इसका निर्माण हुआ, कैसे इसकी खोज हुई, क्या क्या इसके विषय के अंदर खुदाई से हमें जानकारी प्राप्त होती है। परंतु उन सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सिंधु सभ्यता है इसका स्थान कौन सा था, किस क्षेत्र में थी। तो देखिए मित्रों, यह है जो अपना वर्तमान भारत है, इस वर्तमान भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, ये देखिए मित्रों, ये हो गया अपना भारत। और इसके इस तरफ अपने वो नहीं जाना है, पश्चिमी क्षेत्र, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व है और ये पश्चिम। पश्चिमी क्षेत्र में इस सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में यह जो सिंधु सभ्यता है यह है त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई सभ्यता थी। यह जो सिंधु सभ्यता है यह पश्चिमी भारत के अंदर, ये देखिए, ये तो हो गया अपना भारत, ये हो गया पाकिस्तान और यहां पर इसका कुछ हिस्सा जो है वह है अफगानिस्तान के अंदर भी आता है। अफगानिस्तान के अंदर भी सिंधु सभ्यता का कुछ हिस्सा आता है। हालांकि अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के मित्रों दो ही क्षेत्र हैं, उनकी खोज हुई है और वह दो क्षेत्र कौन से हैं, सिंधु सभ्यता के दो क्षेत्र हैं सुरतगोही एवं मांडे की गाह है। यह सुरतगोही और मांडे की गाह दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जो अफगानिस्तान के अंदर खोजे गए हैं और ये किससे संबंधित है, सिंधु सभ्यता के। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत में था, तीन देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। परंतु देखो मित्रों, आपके सामने है सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक विस्तार है वह कहां पर था, पाकिस्तान और भारत में।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार किसमें? भारत और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से भी अधिक, चूंकि पूरा पाकिस्तान लगभग तो आता है ही है, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए और विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में भी इसका व्यापक विस्तार था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान में इसका सर्वाधिक विस्तार था, परंतु ये सिंधु सभ्यता, कई बार पूछ लिया जाता है सिंधु सभ्यता किन किन देशों में पाई जाती है, ठीक है, इसका विस्तार या कहां कहां इसका विस्तार मिला है, तो अफगान, पाक और भारत में इसका विस्तार। इसका आकार है, देखिए सिंधु सभ्यता जो है वह आकार में त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है, त्रिभुजाकार आकार में, किस प्रकार से? त्रिभुजाकार। अगर इसको अगर देखा जाए तो एक तरह से अपने को किसका आकार, त्रिभुज का सा आकार है वो दिखाई देता है, तो त्रिभुजाकार रूप में ये फैली हुई है। और इसका जो क्षेत्रफल है सिंधु सभ्यता का वो कितना है? क्षेत्रफल है मित्रों इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्र में फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह है सिंधु सभ्यता फैली हुई है। ठीक है, अब देखिए मित्रों सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो अपन आगे और देखते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे भारत के किन किन क्षेत्रों में इस सभ्यता का विस्तार था। इसका देखिए, देखिए मित्रों ये पश्चिमी भारत के अंदर हो गई, ठीक है, अफगान, पाकिस्तान और भारत आ गया, और अफगानिस्तान में इसके दो ही क्षेत्र हैं वो खोजे गए हैं, सुरतगोही और मांडे की गाह। ठीक है, अब इस क्षेत्र का जो हिस्सा है वो अपन मिटा देते हैं और इस सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी और इसके फलक कौन कौन से हैं, छोर कौन कौन से हैं, तो देखिए मित्रों ये हो गया आपके उत्तर और ये हो गया आपके दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है वह है उत्तर से दक्षिण तक 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, यानी कि उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो कितनी है मित्रों? 1400 किलोमीटर लंबी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 1400। और पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। यानी सिंधु सभ्यता लंबाई में 1400 किलोमीटर और चौड़ाई में 1600 किलोमीटर फैली हुई है, अर्थात लंबाई की बजाय ये चौड़ाई में क्या है? अधिक। ठीक है, तो अब देखिए मित्रों उत्तर में ये जो सिंधु सभ्यता है इसका जो उत्तरी छोर है वो कौन सा है? सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर है मांडे राव। कहां पर है मांडे राव? है जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर। इसका उत्तरी छोर कौन सा है? मांडे राव, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर, यह इसका उत्तरी छोर है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे इसका उत्तरी छोर यानी मांडे राव स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे इसका उत्तरी छोर स्थित है। इसका जो दक्षिणी छोर है वो है दैमाबाद, अहमद नगर, महाराष्ट्र। इसका दक्षिणी छोर कौन सा है? दैमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।
कौन सी नदी के किनारे? परवा नदी के किनारे इसका दक्षिणी छोर स्थित है। अब देखिए इसका पूर्व स्वर है इसका आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी, जिला मेरठ यूपी। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ यूपी, हिंडन नदी के किनारे इसका पूर्वी छोर स्थित है। अब देखिए इसका पश्चिमी छोर, सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी छोर है वह स्थित है सुतकागेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। इसका पश्चिमी छोर मित्रों यहां पर आ गया, सुतकागेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इसका पश्चिमी छोर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो मित्रों दास्क नदी के किनारे इसका पश्चिमी छोर स्थित है। तो इस सिंधु सभ्यता का विस्तार अपन ने देखा, कितना किस क्षेत्र में या कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी, उत्तर से दक्षिण ये 1400, पूर्व से पश्चिम ये 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और टोटल इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका उत्तरी छोर मांडेराव, दक्षिणी छोर दैमाबाद, पूर्वी छोर आलमगीरपुर मेरठ यूपी, और पश्चिमी छोर जो है वह है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर स्थित है। यह था सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब देखिए वापस आते हैं, बात अपन कर रहे थे कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वह भारत में किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। देखिए इसका सर्वाधिक विस्तार भारत और पाकिस्तान में है, परंतु आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान से भी अधिक भारत में इसका विस्तार है, और भारत में भी सर्वाधिक इसका विस्तार या सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कहाँ से खोजे गए हैं उस पर भी अपन परिचर्चा करेंगे। तो मित्रों देखिए सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उनकी प्राप्ति अपने को होती है जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, इसके अलावा हरियाणा से, हरियाणा यहाँ से सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं, राजस्थान से सिंधु सभ्यता के स्थलों की प्राप्ति होती है, इसके अलावा यूपी से भी हमें सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी प्राप्ति होती है, और इनमें भी सर्वाधिक जो स्थल है वो अपने को प्राप्त होते हैं गुजरात से। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों की प्राप्ति है वह कहाँ से होती है? सर्वाधिक स्थलों की प्राप्ति होती है गुजरात से। नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ से भी हमें सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की प्राप्ति होती है। जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और ये इधर हो गया आपके पंजाब है, यहां से हमें सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं। हाँ अब आप कहोगे मध्य प्रदेश एमपी का, तो देखिए मित्रों याद रखना एमपी में सिंधु सभ्यता के स्थलों की प्राप्ति नहीं होती है, न के बराबर प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ पर जो सभ्यता मिली है वो कौन सी सभ्यता प्राप्त होती है? सोनथी सभ्यता या मालवा संस्कृति, इसके प्रमाण है वो एमपी से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों की प्राप्ति एमपी से न के बराबर ही होती है। तो भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से हमें सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की प्राप्ति हुई है। तो भैया यह तो था सिंधु सभ्यता का विस्तार, ठीक है, और ये किस क्षेत्र में फैली हुई है, कैसी है। अब देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस सिंधु सभ्यता के कालखंड में
देखिए भैया, सिंधु सभ्यता जो है यह है एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता यानी यहां के लोग गांव की बजाय शहरों में निवास करना अधिक पसंद करते थे। नंबर दो, सिंधु सभ्यता जो है वह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? कांस्य युग के अंतर्गत आती है। यानी सिंधु सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अब देखिए, धातुओं के आधार पर भी युगों का निर्धारण है वो किया गया है। युगों का निर्धारण धातुओं के आधार पर भी किया गया है। कैसे? मानव ने सभ्यता के कर्म में, सभ्यता के विकास के कर्म में जिन जिन धातुओं का प्रयोग किया था सर्वाधिक, उन्हीं के आधार पर ही युगों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मानव एकदम मूर्ख था, कुछ नहीं जानता था, आदि मानव था, तो उस टाइम को कहते थे आदिम युग। उसको क्या कहते थे? आदिम युग। भाई, धातु के आधार पर युगों का निर्धारण कैसे किया गया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसको क्या बोलते हैं? आदिम युग। उसके बाद मानव ने किसका प्रयोग किया भैया? उसके बाद सबसे पहले मानव ने औजार के रूप में पत्थर का प्रयोग किया था। औजार के रूप में किसका प्रयोग किया? पत्थर का। और उसको अपन क्या बोलते हैं? पाषाण युग। उसको क्या बोलते हैं? पाषाण युग। ठीक है, एक लंबी समय तक आदि मानव ने पत्थर के औजार बनाए, पत्थर के हथियार बनाए, अस्त्र शस्त्र आयुध बनाए पत्थर के, तो उस टाइम पीरियड को पाषाण युग कहा जाता है। हालांकि इनको भी क्या है, अलग अलग भागों में, पाषाण युग है, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो अपन ने सिंधु सभ्यता से पूर्व के जो प्रागैतिहासिक टॉपिक है उनमें पढ़ा, पाषाण युग। ठीक है, उसके बाद मानव ने सर्वप्रथम जिस वस्तु की, जिस धातु की खोज की, वह कौन सी थी? तो वह था तांबा, ताम्र युग। और एक लंबे समय तक मानव ने तांबे का प्रयोग किया, तो उस युग को क्या कहा जाता है? ताम्र युग। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो कितना अच्छा प्रश्न बना है। क्या प्रश्न बना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न बना है मित्रों यहां पर, कि मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद तांबा थोड़ा सा मुलायम होता है। ठीक है, उससे तांबे से शिकार तो कर सकते हैं, परंतु अन्य कृषि वगैरह के यंत्र वो मुश्किल है ना, मुलायम होता है तांबा। तो तांबे को कठोर बनाने के लिए मानव ने क्या किया? तांबे में टिन मिला दिया, तांबे में टिन मिला दिया, और तांबे और टिन के मिश्रण से किसका निर्माण हुआ? कांसे का। और फिर जो युग आया वह युग कौन सा कहलाया? कांस्य युग। इस टाइम पीरियड की यह सभ्यता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है यह सिंधु सभ्यता, या इसको बोलते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता, वह किस टाइम पीरियड की है? कांस्य युग की है। और कांस्य के बाद भैया मानव ने किसका? लोहे का प्रयोग किया, और वह युग क्या कहलाया? लोह युग। वह युग क्या कहलाया? लोह युग। हम, आप और मैं, हम सब किस युग के अंतर्गत आते हैं? लोह युग के अंतर्गत आते हैं। इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2,500 साल हुए, 2,500 साल से ही कौन सा युग चल रहा है? लोह युग चल रहा है। ये लोह युग है, और इसके बाद में अगर कोई नई धातु खोजी गई या फिर हमारी सभ्यता का विनाश हुआ, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, और कोरोना से अपनी सभ्यता समाप्त हो जाती, तो फिर आगे आने वाली कोई सभ्यता है वो भी यही पढ़ती कि ये लोह युग था, आज अपन ये पढ़ रहे हैं, ये युग है, उस समय में कोरोना के कारण वो सभ्यता समाप्त हो गई थी। ठीक है ना, तो हम किस युग में आते हैं? लोह युगीन मानव है, लोह युग के अंदर आते हैं, और हमसे जस्ट पहले की ये कांस्य युगीन सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता थी।
ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, सिंधु सभ्यता का युग देख लिया, ये नगरीय सभ्यता थी, इसका विस्तार देख लिया। अब देखिए सिंधु सभ्यता जो है इसकी स्थापना कैसे हुई, सिंधु सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, इन सब पर अपन परिचर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, बने रहिए अपने चैनल के साथ। तो मित्रों, अब अपन बात करते हैं कि ये जो सिंधु सभ्यता है, इस सभ्यता की स्थापना है वह है कैसे हुई, यह स्थापना का श्रेय किसे जाता है। स्थापना देखिए मित्रों, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता की स्थापना का जो श्रेय है वह है चार जातियों को जाता है। ये चार जातियां कौन कौन सी है जिनके द्वारा सिंधु सभ्यता की स्थापना की गई। देखिए नंबर एक है भूमध्य सागरीय, नंबर एक भूमध्य सागरीय। नंबर दो है प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, नंबर दो प्रोटो ऑस्ट्रलाइट। नंबर तीन है मंगोल और नंबर चार है अल्पाइन। ठीक है मित्रों, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, मंगोल और अल्पाइन, इन चार जातियों को श्रेय जाता है सिंधु सभ्यता की स्थापना का। भूमध्य सागरीय जो है इनको द्रविड़ भी कहा जाता है, जैसे आपके एनसीईआरटी में ना, तो एनसीईआरटी के अंदर भूमध्य सागरियों को द्रविड़ के नाम से भी संबोधित किया गया है। अच्छा ये देखिए मित्रों, जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता के अंदर जो सर्वाधिक निवास है वह किनका था, भूमध्य सागरियों का था, द्रविड़ों का था। ये जो सिंधु सभ्यता है यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में इन्हीं की प्राप्ति होती है। तो सर्वाधिक संख्या है वह इनकी थी, किनकी, भूमध्य सागरियों की। और सबसे कम जो है वो संख्या में किनकी प्राप्त होती है, अल्पाइनों की प्राप्त होती है। देखिए हालांकि आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की स्थापना है वह किन जातियों द्वारा की गई है, तो मित्रों याद रखना सिंधु सभ्यता की स्थापना का जो श्रेय है वह चार जातियों को जाता है। किनको, चार जातियों को जाता है, वो मध्य सागरीय, प्रोटोस्टाइप, मंगोल और अल्पाइन, चारों को जाता है। चारों के प्रमाण है वो अपने को सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। परंतु अगर ये चार ही ऑप्शन में दिए गए हो कि सिंधु सभ्यता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है और आपके ऑप्शन यही हो, तब आप क्या करोगे, अगर यही आपके ऑप्शन हो तो आपका उत्तर क्या होगा, भूमध्य सागरीय। तो सिंधु सभ्यता की जो स्थापना है उसका जो श्रेय है वो किसे जाता है, भूमध्य सागरियों को जाता है। देखिए समय की बात करते हैं, हालांकि ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि सिंधु सभ्यता का जो समय है, इस समय का निर्धारण कई इतिहासकारों द्वारा अपने अपने जो खोज का कार्य किया गया है अपने अपने अनुसार है, वो अलग अलग समय का निर्धारण किया गया है। किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है, अलग अलग समय है वो बताया गया है। हाँ युग की तो अपन ने देख लिया, कांस्य युग सभी सही है, ठीक है, परंतु समय की अगर बात करते तो एक जो परफेक्ट टाइम पीरियड है वो कोई भी एक इतिहासकार बताने में क्या है, असमर्थ रहा है।
फिर भी देखो अपन बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के समय का जो सर्वप्रथम निर्धारण है, सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के समय का सर्वप्रथम जो निर्धारण है वह किसके द्वारा किया गया? देखिए, सिंधु सभ्यता के समय का सर्वप्रथम निर्धारण मार्शल द्वारा किया गया। जॉन मार्शल के द्वारा सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के समय का निर्धारण किया गया। और इन्होंने किस आधार पर? ईरान के शिलालेख के आधार पर सिंधु सभ्यता के समय का निर्धारण किया था। ठीक है मित्रों, अब देखिए, यह जो सिंधु सभ्यता है इसका समय मार्शल द्वारा 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया गया था। मार्शल ने सिंधु सभ्यता का समय कितना बताया? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखो अपने जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सिंधु सभ्यता का समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बताया गया है। एनसीईआरटी में सिंधु सभ्यता का समय कितना बताया है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो C14 कार्बन विधि है, C14 कार्बन विधि जो है, इस C14 कार्बन विधि के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय है वो आंका गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो किस आधार पर? C14 कार्बन विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखिए, हालांकि सिंधु सभ्यता जो है इसका समय का निर्धारण है वह तीन भागों में किया गया है। सिंधु सभ्यता है इसके स्थापना के समय से पूर्व हड़प्पा कालीन जिसे कहा जाता है, वहां से लेकर के सिंधु सभ्यता के पतन पश्चात हड़प्पा काल और हड़प्पा का, तीन भागों में इसका समय अलग अलग बताया गया है। हालांकि हमें सिंधु सभ्यता का जो समय पूछा जाता है वो एक्चुअल में सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है इसके विकास का समय पूछा जाता है। इसका जो विकास और विस्तार जो सर्वाधिक हुआ था वो इस टाइम पीरियड में हुआ था। इससे पहले तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और इसके बाद में इसका पतन शुरू हो गया था। तो ये जो समय है ये बीच का समय है, एक्चुअल में ये एक्चुअल समय है। मतलब यहाँ पर जो अपन सिंधु सभ्यता के समय की जो चर्चा कर रहे हैं वह है C14 कार्बन विधि द्वारा, जो एक वैज्ञानिक विधि है उसके द्वारा ये निर्धारित समय किया गया है, जो कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है, सर्वाधिक मान्य है। ठीक है मित्रों, तो देखिए सिंधु सभ्यता की स्थापना की अपन ने बात की। सिंधु सभ्यता की स्थापना का श्रेय चार जातियों को जाता ही है, जिनमें सर्वाधिक श्रेय है वो भूमध्य सागरीय को जाता है। समय की अपन ने बात की तो यहाँ पर सबसे पहले सिंधु सभ्यता के समय का निर्धारण जॉन मार्शल ने किया था, ये 3250 से 2750 ईसा पूर्व इन्होंने लगभग बताया था। परंतु जो एनसीईआरटी है उनमें, या एनसीईआरटी ने जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व वो माना है, और C14 कार्बन विधि है उसमें 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, और इसके बाद अपन मित्रों सिंधु सभ्यता है इसकी खोज किस प्रकार से हुई उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए मोर स्टडी जंक्शन के साथ।